आईडी ब्लैकलिस्ट होना बहुत सारे बंदे को लग रहा होगा ये नॉर्मल चीज है, लेकिन नॉर्मल चीज नहीं है। आईडी ब्लैकलिस्ट होने का मतलब है आपको गरीना फ्री फायर की ओर से एक वार्निंग दिया गया आपके अकाउंट को लेकर। क्योंकि ब्लैकलिस्ट आईडी होने का मतलब है आपने कुछ न कुछ अपने अकाउंट के साथ गलती की है, तभी आपके अकाउंट को ब्लैकलिस्ट किया गया है फ्री फायर की ओर से। और ये एक वार्निंग होता है, अगर आप इस बार नहीं सुधरते हो, अगर गलती को ठीक नहीं करते हो, तो अगले बार से आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो सकता है। आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हुआ है या नहीं ये मैटर नहीं करता, आपका कभी ना कभी आईडी ब्लैकलिस्ट हो ही जाएगा अगर आप ये गलती करते हो। तो अगर आपका अकाउंट ब्लैकलिस्ट हो गया या फिर इस मिस्टेक को आप अवॉइड करना चाहते हो जिससे आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। जिनकी आईडी ब्लैकलिस्ट में चली जाती है उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। पहली बात, बीआर रैंक का स्टार्ट नहीं होगा। दूसरी बात, सीएस रैंक का स्टार्ट नहीं होगा। और तीसरी बात, अगर स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें हैकर ही हैकर सामने आएंगे। आपको एक दो बंदे नॉर्मल दिखेंगे लेकिन बाकी सारे के सारे हैकर ही आएंगे, आपको एक शॉट में मार देंगे। ठीक है, अब इससे जितने भी बंदे परेशान हो गए वो मेरे को कमेंट में बता रहे थे यार इसका सॉल्यूशन लाओ। बहुत सारे बंदे इंस्टा पे डीएम किए थे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करूं मैं, मेरे जब भी गेम स्टार्ट करता हूं सामने हैकर ही आते हैं। तो यार इसको कैसे ठीक करेंगे इसका 100% सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, आगे वीडियो देखते रहना आपको पता चल जाएगा, आराम से आप सॉल्व कर पाओगे खुद से। ठीक है, तो यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे उससे पहले ये आप जान लो कि आखिरकार ये होता कैसे, क्यों आपका ब्लैकलिस्ट आईडी हो जाता है, फ्री फायर वाले आपके आईडी को ब्लैकलिस्ट करते क्यों है। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं जाना होगा कि आपका आईडी ब्लैकलिस्ट आखिरकार होता क्यों है तो फिर आपका ब्लैकलिस्ट आईडी हो जाएगा, फिर सॉल्व करने से क्या फायदा होगा, समझ रहे हो। तो आपको पहले जान लेना कि आप क्या गलती करते हो इससे आपका आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है, तो आराम से आप परमानेंट इसको ठीक कर सकते हो। सो गाइस, मैं हूं प्रशांत और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो गाइस, सबसे पहला और सबसे बड़ा गलती होता है कि आपने हैक यूज किया तब आपका अकाउंट ब्लैकलिस्ट में जाता है। बहुत सारे बंदे बोलेंगे कौन सा हैक, देखो हैक बहुत तरीके का होता है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस होते हैं और बहुत सारे इधर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए मैं हैक का नाम नहीं लूंगा। आप समझ जाओ जो भी हैक्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं अच्छे से हेडशॉट मारने के लिए, वो सब चीजें अगर आप यूज करते हो तो आपका अकाउंट ब्लैकलिस्ट हो सकता है। देखो इसमें फ्री फायर वाले पहले क्या करते थे, आपका अकाउंट ब्लैकलिस्ट नहीं करते थे बल्कि आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर देते थे। मतलब ये जो 6 महीने पहले ये ब्लैकलिस्ट का कोई सिस्टम ही नहीं था, मतलब आपका अकाउंट ब्लैकलिस्ट होता ही नहीं था। लेकिन अब फ्री फायर वाले ने क्या किया है, देखो अगर आप कर रहे हो ऐसा चीजें यूज जिससे आपको हेल्प मिलती है, मतलब एबनॉर्मल हेडशॉट मारने के लिए ऐसा कुछ चीज आप यूज कर रहे हो, तो आपका अकाउंट बैन करने से पहले आपको वार्निंग देगा। वार्निंग किस तरीके से देगा, आपका अकाउंट को ब्लैकलिस्ट करके वार्निंग आपको दे देगा। अभी जो बंदे समझ जाते हैं कि ये वार्निंग किस चीज का या फिर मेरा अकाउंट क्यों ब्लैकलिस्ट हुआ है, उनको पता चल जाता है कि मेरे को आगे से ऐसा नहीं करना, अगर फिर भी कर दो तो आपका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया कि आप अगर हैक यूज करते हो तो आपका अकाउंट ब्लैकलिस्ट आईडी हो सकता है क्या, हो जाएगा। ठीक है, आपका 100% हो जाएगा आप एक दो दिन यूज कर लोगे तो। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 है, देखो इस पॉइंट में क्या बात करने वाले, आपका अकाउंट क्यों ब्लैकलिस्ट जाता है उसका दूसरा रीजन होने वाला आप हैकर के साथ खेलते हो। अब हैकर के साथ कितने गेम खेलने से होता है, बहुत सारे बंदे के मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि कितने गेम खेलने से हमारा अकाउंट ब्लैकलिस्ट हो सकता है। तो देखो यार इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आप रैंडम, मान लो आपने गेम स्टार्ट किया, रैंडम आपके गेम में कोई हैकर आ गया, ठीक है, और आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया, आपका क्या फर्ज बनता है, अगर सामने बंदा आए जो कि हैकर हो या फिर आपके टीम में हैकर आए तब भी आपको रिपोर्ट करने ही करने, ठीक है, आपको हैकर का सपोर्ट नहीं करना। अगर आप हैकर को रिपोर्ट नहीं करते हो एंड बार बार आपके गेम में हैकर आए जा रहे हैं और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी गलती है, ठीक है, आपको रिपोर्ट करना है। और देखो बार बार हैकर आ रहे तो आप कितने को रिपोर्ट करोगे, तो इसके लिए मैं आगे आपको प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर इस तरीके का आपका प्रॉब्लम आता है, आपको दिखता है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, वो आपको फ्री फायर को बताओगे कैसे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है और आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो गाइस सेकंड पॉइंट को मैं एक लाइन में बोलूं तो आपको अगर रैंडम में आपको हैकर दिखे तो रिपोर्ट करना है, चाहे वो सामने वाला बंदा हो या फिर आपके टीम में बंदा हो रैंडम, तो आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट भी करोगे तो 1-2-3 गेम में ही कर पाओगे ना, बार बार आएगा तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे, आप ही खुद ही परेशान हो जाओगे, तो इसके लिए मैं वीडियो के आगे बता दूंगा आपको क्या करने। तो गाइस अभी तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। देखो तीसरे पॉइंट में सिंपल सा, आप हैकर के साथ खेल रहे हो, हैकर को आप खुद इनवाइट करके बुला रहे हो और हैकर के साथ मैच मेकिंग कर रहे हो और शुरू से खेल रहे हो लास्ट तक खेल रहे हो, तब आपका आईडी ब्लैकलिस्ट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो इस तरीके का गलती नहीं करना, आपको इनवाइट करके हैकर को बिल्कुल नहीं खिलाना है, ठीक है, आपको अगर पता चला ये बंदा हैकर है तो उसको डिलीट कर दो या फिर उसके साथ खेलो ही मत, अगर खेलोगे तब प्रॉब्लम है, आपका आईडी ब्लैकलिस्ट चला जाएगा। अब चौथा पॉइंट होने वाला है, आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप फ्री फायर को डाउनलोड किए हो। देखो प्ले स्टोर पे जो फ्री फायर अवेलेबल है वही को खेलो, आपको थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आते हैं उनसे फ्री फायर को इंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं होता फ्री फायर के साथ, और फ्री फायर वाले ने अपनी वेबसाइट पे साफ क्लियर मेंशन किया है कि
आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट से फ्री फायर को डाउनलोड करके नहीं खेलना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करना ही नहीं है। अगर आप लॉगिन भी कर देते हो ना, जो कि गलत फाइल्स होती है, तो आपका अकाउंट ब्लैकलिस्ट हो सकता है, सस्पेंड हो या ना हो, लेकिन आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाएगा पहली बार में, और दूसरी तीसरी बार में आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। तो आप ये ध्यान में रखना, आप थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से फ्री फायर को इंस्टॉल ना करो। जो भी करो आप प्ले स्टोर से करो, अगर फ्री फायर मैक्स है तो फ्री फायर मैक्स ही खेलो, फ्री फायर को क्या खेलना है, ठीक है। अब ये थर्ड पार्टी जो भी एप्लीकेशंस होते हैं या फिर वेबसाइट होते हैं, उनमें क्या फर्क होता है, देखो उनके फाइल में और फ्री फायर के जेन्युइन फाइल में बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि दूसरे वेबसाइट पे अगर अपलोड है वो फाइल, तो उसमें हो सकता है वायरस है और वायरस कोई फाइल को डिलीट कर दे या फिर मॉडिफिकेशन कर दे, तो इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो आपको ऐसा यूज नहीं करना। और मेन यही पॉइंट है जिसको आपको अवॉइड करना है, तब आप आगे भी सेफ रहोगे। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन को, कैसे सॉल्व करोगे, आपका अकाउंट ब्लैकलिस्ट अगर हो गया है तो कैसे सॉल्व करोगे। इसका सबसे सिंपल और सबसे बड़ा सॉल्यूशन बोले तो यार एक ही चीज है कि आपको हैक अगर आप जो भी यूज करो उसको डिलीट करो। अब डिलीट कैसे करोगे, डिलीट करने के लिए मैंने वीडियो बना के रखा, एक दो वीडियो, मैं एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि रिमूव कैसे करते, कॉन्फिग अगर आपने यूज किया हो तो। अभी तो बहुत सारे हैक्स आ गए, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आ गए, तो उसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, इतना झंझट नहीं करना, सिंपल आपको फ्री फायर पूरा कट कर देना है, बाद में आपको होम स्क्रीन पे जाना है और जो कि आपको फ्री फायर का लोगो दिखता है उस पर देर तक क्लिक करना है। देर तक क्लिक करोगे तो आपको एप्लीकेशन इन्फो या फिर ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन इधर दिखेंगे आपको, तो आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा स्टोरेज करके या फिर डाटा करके, आपको इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है और फिर क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक कर देना या फिर क्लियर स्टोरेज ऐसा ऑप्शन रहेगा। ये कर लेने के बाद देख लेना आपको कोई ऐप आपने इंस्टॉल तो नहीं किया ना एक्सटर्नल, जो कि आपको हेडशॉट मारने में मदद कर रहा हो, तो उसको अनइंस्टॉल कर देना। इतना कर लेने के बाद आगे फोन को रीस्टार्ट करके देखो और गेम प्ले करके देखो, अगर ठीक हुआ तो सही बात है, नहीं तो दूसरे स्टेप में चलते। पॉइंट नंबर टू में होने वाला कि आप बहुत दिन से अगर हैक वैक यूज कर रहे हो तो आपका केडी वेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, हेडशॉट रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा, तो इसको माइनस करो। अब माइनस कैसे कराओगे, सिंपल है, कोई गेम लगा लो और खड़ा रहना आपको, जब तक सामने वाला एनिमी आपको मार के ना चला जाए, कुछ किसी को मारना नहीं है, बस इतना करो आपका काम हो जाएगा। पॉइंट नंबर थ्री, इससे भी ठीक नहीं हो तो पॉइंट नंबर थ्री में देखो, आपको वाईफाई से खेलना, अगर आप पर्सनल डाटा से खेलते हो तो वाईफाई से ट्राई करो खेल के कुछ दिन, और अगर आप वाईफाई से खेलते हो तो पर्सनल डाटा से ट्राई करो खेलने का। इससे गरीना फ्री फायर के सर्वर को अलग अलग आईपी एड्रेस मिलेगा, जिससे आपका हो सके तो जल्दी आईडी ब्लैकलिस्ट से हट जाए। अब देखो फोर्थ नंबर ट्रिक, अगर ये जो भी मैंने बताया इससे काम नहीं चल रहा तो आपको फोर्थ नंबर ट्रिक ध्यान से सुनना है। इसमें कहना क्या है, आपको अपने अकाउंट को 3 से 4 दिन तक गेम में लॉग इन नहीं करना, बिल्कुल भी उस आईडी से नहीं खेलना, और फिर पांचवे दिन या फिर चौथे दिन भी आपको गेम स्टार्ट करना है लॉग इन करके, और आपको सबसे पहले ट्रेनिंग खेलना है, फिर आपको बीआर नॉर्मल खेलना है, रैंक मत खेलना शुरू में, ठीक है। आपका 100% यहाँ पे आईडी सेफ हो जाएगा, ब्लैकलिस्ट से हट जाएगा, ठीक है। तो यार इतना कर लो, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में अपना जो भी प्रॉब्लम होगा वो लिख देना, मैं पढ़ लूंगा। आगे का वीडियो आप ही के टॉपिक पे बनने वाला है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।